Hello students, this is Dani ma'am from Unique Classes and welcome to all my dear students to another session of Modal Verbs. Modal Verbs का भी इसके पहले भी वीडियो डाला हुआ है मैंने, बट वहाँ पे मैंने बेसिक बताया हुआ है, ठीक है. आज हम Modal Verbs का सीरीज स्टार्ट करते हैं और आज के Modal Verbs में आज हमने चूज़ किया है वुड और यूज टू. यहाँ पे बच्चों को थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है. यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है इन द सेंस कि पता नहीं चल पाता है कि कहाँ वुड यूज़ करेंगे और कहाँ यूज टू. वैसे तो दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, एक के जगह दूसरा भी यूज़ कर सकते हो. वुड के जगह आप यूज टू भी यूज़ कर सकते हो और यूज टू के जगह वुड भी यूज़ कर सकते हो. बट एक दो केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ सिर्फ और सिर्फ यूज टू का ही यूज़ होगा, वुड का यूज़ नहीं होगा. कई बुक्स में मैंने देखा है वो बताते हैं कि वुड भी पास्ट की हैबिट बताता है और यूज टू भी पास्ट की हैबिट बताता है. बट दिस इंडिकेट्स परसिस्टेंट हैबिट ऑफ द पास्ट. परसिस्टेंट मतलब जो हैबिट लगातार चलते आ रहा है. बट एग्जाम में आपको सेंटेंस देख के नहीं पता चल पाएगा कि कौन सा हैबिट ख़त्म हो गया है और कौन सा हैबिट अभी भी है, चलता आ रहा है. तो वो सब वो सेंस लगा के तो हम डिसाइड नहीं करेंगे, हमें तो ग्रामेटिकल सेंस में जाना है. सबसे पहले मॉडल वर्ब्स, और आपने पढ़ा हुआ है कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं. ये जो हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज ऑक्सिलरी, ठीक है. ये हमेशा और हमेशा सहायक क्रिया होता है. मॉडल वर्ब्स कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकता, ये ऑक्सिलरीज होते हैं. और दूसरा चीज़ आपने क्या पढ़ा है कि मॉडल वर्ब्स हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है. फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लूरल फॉर्म. वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसमें एस नहीं लगा हो. ओके, तो पहला चीज़ याद रखना है कि वुड और यूज टू मॉडल वर्ब्स हैं और ये मॉडल वर्ब्स कभी भी मेन वर्ब नहीं होता है. जब भी कोई मॉडल वर्ब रहेगा उसके बाद एक मेन वर्ब का आना जरूरी है, और वो भी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है. दिस वॉज द बेसिक. नाउ लेट अस सी और कैसे कैसे एरर्स आएंगे. सबसे पहले दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो हमारा वुड है ना, वुड हमेशा और हमेशा मॉडल वर्ब है. वुड हमेशा मॉडल वर्ब का काम करता है, और ऑब्वियस है कि मॉडल वर्ब का काम करेगा तो ये वी वन लेगा. लेकिन जो हमारा यूज टू है, जो यूज टू है ये सेंटेंस में मॉडल वर्ब का भी काम कर सकता है, ठीक है. और यूज टू जो है वो हमारा सेंटेंस में एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है. बट वुड कभी भी मॉडल सॉरी वुड कभी भी एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा. सबसे पहले तो डिफरेंस एक तो और डिफरेंस हो गया कि वुड के साथ टू नहीं लगता है, यूज टू के साथ टू लगता है. दूसरा डिफरेंस क्या है कि वुड मॉडल वर्ब है और यूज टू क्या है, ये मॉडल वर्ब भी हो सकता है और यूज टू को हम सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, बट इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ नहीं कर सकते. बट ध्यान रखना है कि यूज टू एडजेक्टिव का काम कब करेगा? जब यूज टू के पहले कोई बी फॉर्म ऑफ वर्ब आए. और मैंने आपको वर्ब के बेसिक में बताया हुआ है कि टू बी वर्ब्स किसे बोलते हैं. टू बी वर्ब्स कौन सा वर्ब होता है? इज, एम, आर, वॉज वर्ब. याद रखना है कि अकेला यूज टू है तो वो मॉडल वर्ब है और वो अपने साथ क्या लेगा? वी वन. बट अगर यूज टू के पहले कोई भी वर्ब का बी फॉर्म आ गया, हमारे कुल मिला के कितने वी फॉर्म्स है? आठ है. इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग. तो जब भी यूज टू के पहले कोई बी का फॉर्म आ गया तो वहाँ का यूज टू हमेशा और हमेशा क्या है? एडजेक्टिव है. और वो एडजेक्टिव है, अब यूज टू तो एडजेक्टिव हो गया और एडजेक्टिव तो अपने साथ वी वन नहीं लेगा, एडजेक्टिव अपने साथ क्या लेगा? वी फोर. क्यों? क्योंकि वी फोर कौन सा फॉर्म है? वी फोर इज आई एन जी फॉर्म. और हम कभी कभी आई एन वर्ब के आई एन जी फॉर्म को भी नाउन बना सकते हैं. याद रखना है कि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है. अगर यूज टू, अगर हमारा यूज टू एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसका मतलब है वो किसी नाउन की विशेषता बता रहा है. हम वर्ब को भी नाउन बना सकते हैं, ठीक है. वर्ब को नाउन बना सकते हैं क्या लगा कर? आई एन जी लगा कर. तो जहाँ यूज अकेला यूज टू है वो मॉडल वर्ब है, उसके साथ वी वन आएगा. अगर यूज टू के पहले इज, एम, आर, वॉज, वर आ गया तो वहाँ का यूज टू क्या हो गया? दैट बिकम्स एन एडजेक्टिव. वहाँ का यूज टू एडजेक्टिव है, अब मॉडल वर्ब नहीं है, अब वी वन नहीं लेगा, वी फोर लेगा. आई एन जी, आई एन जी इन द फॉर्म ऑफ नाउन, ठीक है. चलो अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ. अभी मैंने बोला बोथ आर इंटरचेंजेबल. इंटरचेंजेबल मतलब एक के बदले आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं. जैसे लिखा ही यूज्ड, ही यूज्ड टू स्टे, ही यूज्ड टू स्टडी लेट आवर्स. व्हेन ही वॉज यंग. और फिर मैंने लिखा ही वुड स्टे लेट आवर्स. वुड के साथ सॉरी, ही वुड स्टडी लेट आवर्स
when he was young. और दूसरा चीज याद रखना, तीसरी चीज क्या, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि used to क्या बताता है, used to भी बताता है पास्ट की हैबिट और would भी हैबिट ऑफ द पास्ट बताता है. पास्ट की आदत बताने के लिए हम would का भी यूज कर सकते हैं और पास्ट की आदत बताने के लिए हम used to का भी यूज करते हैं. ओके, दोनों यूज किया जा सकता है. कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जहाँ दोनों इंटरचेंजेबल है. इंटरचेंजेबल मतलब एक के बदले दूसरा यूज कर सकते हो. देखो यहाँ पे, he used to study late hours मतलब वो जब यंग था तो वो घंटों लेट तक पढ़ा करता था. लेट तक पढ़ना उसकी पास्ट की हैबिट थी. तो मैं यूज़ टू भी बोल सकती हूँ और मैं वुड भी बोल सकती हूँ, ही वुड स्टडी, क्योंकि वुड भी तो पास्ट की हैबिट ही बता रहा है. ओके, जैसे एक सेंटेंस और ले लूँ, ही वुड स्विम अक्रॉस द रिवर when he was he would swim across the river in his student days. वो अपने student के दिनों में, school days में या student के दिनों में river के across swim किया करता था. और मैं used to है, और ये यहाँ पर मैं would भी लगा सकती हूँ. He would swim across the river, ये भी लगा सकती हूँ. और अभी तो मैंने बोला कि दोनों क्या है, दोनों इंटरचेंजेबल है. इंटरचेंजेबल इन द सेंस कि आप यूज़ टू भी लगा सकते हो, आप वुड भी लगा सकते हो. बट बिकॉज बता तो रहा है दोनों पास्ट की हैबिट और दोनों में एक्शन हो रहा है ना. यूज़ टू स्विम किया करता था, यहाँ भी स्विम किया करता था. यहाँ वो पढ़ा करता था, यहाँ भी पढ़ा करता था. ठीक है, बट डिफरेंस है थोड़ा सा. यूज़ टू, अब मैंने ये लिख दिया, देखो एक और लिख दिया मैंने. मैंने यहाँ पे लिखा ही वॉज यूज़ टू, he was used to swim. इसको हम बाद में डील करेंगे. he was used to swim or swimming. अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लो. यहाँ का used to क्या है, यहाँ पे तो used to हमारा मॉडल वर्ब था और मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब का बी वन फॉर्म लेता है. बट यहाँ का used to क्या है, यहाँ का used to, मैंने बोला था ना used to के पहले कुछ भी is एम आर आ गया. is एम आर आ गया, इसका मतलब है वहाँ का used to मॉडल वर्ब नहीं है और वो वी वन नहीं लेगा. यहाँ का used to एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है. और किसी भी वर्ब को नाउन बनाने के लिए ये आईएनजी लगा दो. ये आईएनजी हमारा है क्या, ये आईएनजी हमारा जीरेंड है. जीरेंड होता क्या है, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म किसका काम करने लगे, नाउन का काम करने लगे. ठीक है, अभी तो मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस दिए जहाँ मैंने बोला कि दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस किया जा सकता है. बट एक ऐसा कंडीशन आता है कि जहाँ हम वुड के जगह यूज्ड टू नहीं लगा सकते. ठीक है, यहाँ तो हम किसी के बदले कुछ भी लगा दिया मैंने. वे तो लेट अस डू दिस सेंटेंस. ठीक है, थोड़ा साइड हो गई हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. बच्चों का कंप्लेन होता है आप स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देते हो. ये सेंटेंस देखने, दिस पॉइंट टू बी नोटेड. वो सब डेफिनेशन पे नहीं जाओगे कि पहले जो हैबिट लंबे समय से चला आ रहा है अभी भी है उसके लिए वुड लगा दोगे, यूज टू में हैबिट छूट गया है, वो सबसे सेंटेंस में पता नहीं चलता है. देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई used to be a lawyer, but now I am a teacher. और फिर मैंने सेंटेंस लिखा, I would be a lawyer, but now I am a teacher. फिर तीसरा सेंटेंस मैंने दिया लिखा, आई यूज टू लाइक, या ही लगा दो, ही यूज टू लाइक क्लासिकल म्यूजिक, बट नाउ ही लाइक्स रॉक म्यूजिक, ऐसा लगा दिया. और फिर एक डाल दिया, ही यूज टू लाइक. He would like classical music. ठीक है, आगे बढ़ ही, now he likes rock music. ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा समझोगे. इसके पहले वाला सेंटेंस में मैंने बोला, जैसे मैंने बोला he used to play cricket, वो क्रिकेट खेला करता था
और ही यूज टू प्ले क्रिकेट, और इसमें मैं ये भी लिख सकती हूँ ही वुड प्ले क्रिकेट, ही वुड प्ले क्रिकेट, यहाँ तो दोनों सही है क्योंकि यूज टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने में कोई एक्शन हो रहा है, तो जहाँ भी एक्शन हो रहा है ना तो आप यूज टू और वुड दोनों लगा सकते हो, दोनों एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ही यूज टू बी अ लॉयर, इसकी हिंदी क्या है, वो लॉयर हुआ करता था बट अब वो टीचर है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ये जो टू, ये जो बी वर्ब है, ये बी वर्ब क्या बताता है, बी वर्ब क्या बताता है, एक्शन या स्टेट, एक्शन वर्ब्स, क्या मेरा लॉयर होना वहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, क्या बताया जा रहा है, स्टेट बताया जा रहा है। जो टू बी वर्ब्स होते हैं ना, टू बी वर्ब्स, वो स्टेट बता रहा है, यहाँ पे जो बी है वो स्टेट बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे बी स्टेट बता रहा है, बट यहाँ पे तो यूज टू के साथ कोई एक्शन हो रहा था ना, प्ले, प्ले क्या है, प्ले इज अ डायनेमिक वर्ब जहाँ पे एक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी प्ले में एक्शन हो रहा है, ये दोनों जगह एक्शन हो रहा है, और जहाँ भी एक्शन हो रहा है तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हो, लेकिन जहाँ भी स्टेट बताया जा रहा है, अवस्था, स्थिति बताई जा रही है, तो वहाँ पे हम कभी भी वुड का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ हम जब भी करेंगे किसका यूज़ करेंगे, यूज़ टू का, ये गलत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो एक्शन है ना, ही यूज टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेला करता था, एक्शन में दोनों को यूज़ कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, बट जहाँ भी स्टेट बताई जा रही है, जहाँ भी स्टेट बताई जा रही है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ पास्ट की आदत के रूप में कोई स्टेट बताई जा रही है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करोगे, यूज टू का, ओके। नेक्स्ट देखो, ही यूज टू लाइक क्लासिकल म्यूजिक, उसे पहले क्लासिकल म्यूजिक पसंद था बट अब उसे रॉक म्यूजिक पसंद है। अब बताओ कि लाइक कैसा वर्ब है, हाँ, एक्शन वाला है या स्टेटिव वाला है, लाइक में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, उसको पसंद था ये, तो ये लाइक वर्ड क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है, ठीक है, और यहाँ भी लाइक वर्ड क्या बता रहा है, स्टेट, और अभी मैंने क्या बताया कि अगर स्टेट बता रहा है तो वहाँ पे किसको चुनना है, यूज टू को, ये गलत हो गया, यूज टू को चुनना है, बट अगर एक्शन बता रहा है तो आप दोनों को चुन सकते हो, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहाँ यूज टू यूज़ करना है और कहाँ पे वुड। समटाइम्स आपके पास कोई फिल अप द ब्लैंक्स आ गया और वहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है और आपको कोई एक चुनना है, तो आप देख लेना, स्टेट बताया जा रहा है तो आप वुड यूज़ कर दो, अदरवाइज एक्शन के लिए तो दोनों यूज़ हो, ठीक है। विल बी मी आई कम विथ सम मोर सेशंस ऑफ मॉडल वर्ब्स, और भी हम थोड़े डिफिकल्ट जहाँ जहाँ से आपको दिक्कत होती है वो करेंगे, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।